लेकिन आपको ये भी बताएं कि क्या उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अब डर लग रहा है, आखिर क्यों यूपी में कांग्रेस ने नेता जो है वो रणछोड़ दास बनते जा रहे हैं। रिपोर्ट। कांग्रेस का दावा है कि यूपी में प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद कार्यकर्ताओं और नेताओं का जोश हाई है और वो यूपी में मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि जिस सेनापति की अगुवाई में कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में जंग लड़नी है, उन्होंने हार की डर की वजह से खुद अपनी सीट बदल ली है। राज बब्बर अब मुरादाबाद की जगह फतेहपुर सीकरी से चुनाव लड़ेंगे। सूत्रों की खबर है कि यूपी कांग्रेस अध्यक्ष राज बब्बर ने मुरादाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। राज बब्बर को यहां का सियासी समीकरण अपनी जीत के मुताबिक नहीं लग रहा है, इसीलिए अब उन्हें फतेहपुर सीकरी से टिकट दिया गया है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के करीबी जितिन प्रसाद के भी कल बीजेपी में आने की चर्चा थी और जितिन ने इसे पूरी तरह खारिज नहीं किया। बीजेपी से ही खबरें आ रही थी कि आप बीजेपी में शाम को आज ज्वाइन कर रहे हैं, क्या खबरें में कोई तथ्य है, कोई सच्चाई है? शाम तो हो गई है, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। क्या बताऊं उसके बारे में? आर यू ज्वाइनिंग द बीजेपी? नो, व्हाई शुड आई आंसर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन? वहीं जितिन प्रसाद की इस अधूरी सफाई पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करते हुए सवाल खड़ा किया, आखिर जितिन प्रसाद सीधे तौर पर इन खबरों का खंडन क्यों नहीं करते? ये सवाल काल्पनिक नहीं रह जाता जब सभी न्यूज चैनल ऐसी खबरें दिखा रहे हों। यूपी में कांग्रेस के हालात का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो अंत तक समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन में शामिल होने की कोशिश करती रही, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने कांग्रेस को भाव नहीं दिया। इसके बावजूद कांग्रेस ने 7 सीटों पर गठबंधन के खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारने का ऐलान किया, जिसे मायावती और अखिलेश ने भ्रम फैलाने वाला बताया और कांग्रेस के इस ऑफर को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। कांग्रेस शिवपाल यादव के साथ भी गठबंधन करना चाहती है, लेकिन बदले में शिवपाल भी बड़ी हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं। हालत यह है कि कभी देश की सियासत में सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस अब छोटे छोटे क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन करने को मजबूर है, वो भी उनकी शर्तों पर। तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, ये तो तय है। और हमारे साथ इसी खबर पर और ज्यादा डिटेल के लिए रवि त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं, विशाल भी हालांकि हमारे साथ हैं। लेकिन रवि, कांग्रेस के लिए अच्छी खबर तो नहीं है कम से कम, जहां एक तरफ प्रियंका गांधी यूपी पर पूरा फोकस कर रही हैं, यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की स्थिति कर रही है, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा जमीनी स्तर पर। देखिए, इसको कहेंगे होमवर्क का अभाव। देखिए, अगर होमवर्क अच्छे से होता तो राज बब्बर को आप मुरादाबाद से चुनाव नहीं लड़ाते और अब फिर वापस आपको उनको हटाकर दूसरे किसी को कैंडिडेट नहीं बनाना पड़ता। राज बब्बर भी खुद भी नहीं चाहते, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी टिकट गलत जगह से दी जा रही है, उनकी टिकट सीट बदल ली। आप समझ रहे हैं, इसका मैसेज ये है कि आप कंफ्यूज हैं। और उसके अलावा दूसरी सीट आप देख रहे हैं जहां नसीमुद्दीन सिद्दीकी को बिजनौर से कैंडिडेट बनाया गया है, तो दो एक अलग अलग मैसेज। अगर इसको मैसेज को पढ़ने की कोशिश करें तो ऐसा लगता है कि आपने दो हिंदू जो कैंडिडेट थे उनकी सीट चेंज करके वहां पर दोनों मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं, क्योंकि आपको ऐसा वहां दबाव था कि मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, यहां पर मुस्लिम कैंडिडेट आपको देना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि आपका प्रदेश अध्यक्ष जिसका सीट बदलना पड़ रहा है, यानी कि पार्टी में कंफ्यूजन है और आपका होमवर्क का अभाव है, और इसका नुकसान कांग्रेस को होगा, क्योंकि कांग्रेस में बहुत नाराजगी थी इस बात को लेकर किस तरह से सीट बांटे गए जल्दबाजी में, क्योंकि दिखाने के लिए कि आपको सपा बसपा से गठबंधन नहीं करना है, इस वजह से जल्दबाजी की गई, तो जल्दबाजी का नुकसान आपको देखने को मिल रहा है। जी रवि, यहाँ पे दो तीन बातें और हैं, अगर उन पे गौर किया जाए तो अगर कांग्रेस तो चाहती तो बहुत कुछ है, वो मायावती के साथ भी जाना चाहती थी, मायावती ने अपने हाथ खड़े कर दिए, उनका स्टैंड क्लियर है। और अगर शिवपाल की बात भी करें तो शिवपाल भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुके हैं, कांग्रेस दिखा कुछ और रही है लेकिन अंदर खाने वो जानती है कि उसके पास मजबूती नहीं है। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस चाहती तो थी पहले कि महागठबंधन के साथ जाया जाए, आपको याद हो कर्नाटक में जो तस्वीर सोनिया गांधी और मायावती की दिखाई गई थी मंच पे, वहीं से लगा था कि गठबंधन होगा, अलायंस होगा, और उसके बाद एक एक करके मामला ये टूटता चला गया। और कांग्रेस की जो कोशिश थी, जो पूरे कांग्रेस को अलायंस को मजबूत करने की, महागठबंधन को लाने वाले सबसे पहले जो नायडू थे, आपको याद हो टीडीपी के जो अध्यक्ष हैं, सबसे पहले वो किनारा हुए, उनको कांग्रेस ने अलग किया। उसके बाद एक एक करके आप देखिए सर, आपका पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, यानी जो पुराने साथी थे वो भी साथ छोड़ते जा रहे हैं और नए साथियों का हाथ थामने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, वो भी फेल हो रही है पूरी तरीके से। शुक्रिया रवि फिलहाल इस अपडेट के लिए।